श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज की खास विशेष मनमोहक ऐसा ये कार्यक्रम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लोगों में सुधार हो रहा है, हृदय परिवर्तन का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ के अंदर जो प्रतिपादन किया जाता है, इसी क्रम में आज का जो हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय है, जो काल करे सो आज कर। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कबीरदास जी का दुआ है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए गिर बहुरी करेगा कब। ये टाइम मैनेजमेंट है। अगर इस पूरे दोहे को अच्छी तरह से समझा जाए तो पूरा एक एक मिनट का टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। और कहा भी गया है कि टाइम इज मनी। जो समय का जो है पाबंदी रखता है, ये सबसे बड़ा गुण है। और टाइम मैनेजमेंट कर लेता है तो वह एक क्षण भी खराब नहीं करेगा। और जीवन जितने वर्ष तक जीवन जिएगा, चाहे 50-100 साल जितना जीवन जियता है, तो टाइम मैनेज करने वाला व्यक्ति उस जीवन की पूरी सार्थकता को बनाए रखता है। तो जो व्यक्ति अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो काल करे सो आज करके फॉर्मूले को लगाना चाहिए। अब मैं इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक टाइम मैनेजमेंट है, किस तरीके से एक व्यक्तित्व गुण है, और किस तरीके से हम इसका पालन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाता है। देखिए कि हमारे कोई भी यस्टरडे, ऐसा कहा जाता है, यस्टरडे हैज गोन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द टुडे इज बिफोर यू टू डू समथिंग। क्या कभी कल आता है? कल कभी नहीं आता है। कल किसने देखा है? कल आता ही नहीं, देखे कहां से। आज मान लीजिए शुक्रवार है, कल आने वाला जो है शनिवार, आज हम कल कहेंगे, लेकिन कल जब शनिवार आएगा तो उसको आज बोला जाएगा। यानी कल के नाम की कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि वो आज का कार्य आज करो। और इस सृष्टि के अंदर ईश्वर ने 24 घंटे हर प्राणी को दिए हैं, और 24 घंटे के अंदर कुछ समय जो है संतुलन के लिए, कि हम जो एनर्जी जो है वेस्ट कर रहे हैं, हमारे टिश्यूज घट जाते हैं, हमारे घिस जाते हैं, उनको पुनः रिपेयर करने के लिए हमें आराम करना चाहिए। श्रम के साथ के अंदर थोड़ा विश्राम भी जरूरी होता है, उसके लिए कुछ सोने का समय, और शेष जो भी 12-14 घंटे के व्यक्ति के साथ में उसका पल पल का, मिनट मिनट का, उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति को अपनी एक डेली रूटीन जो है, एक चार्ट बनाना देना चाहिए कि 12-14 घंटे मेरा जो वर्किंग कार्य है उसमें से क्या क्या मैं मुख्य कार्य कर सकता हूँ कि मेरे जीवन के अच्छे कार्य हैं। और दूसरा, ऐसा कहा भी गया है कि शुभस्य शीघ्रम, जो कार्य सुबह है वो आज करो, तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि कल पता नहीं आता कि नहीं आता है। जो इसीलिए क्या है कि इसका ये मैनेजमेंट इतना सुंदर है। अब देखिए इसमें कुछ मैं फॉर्मूले आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज। अब आप देखिए 12-14 घंटे के अंदर क्या कार्य किए जा सकते हैं, और इसके अंदर सबसे मुख्य कार्य क्या है, अहम कार्य क्या है, जो कि मेरे जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको सबसे पहले एक नंबर पर कीजिए, दो नंबर पर कीजिए, तीन नंबर पर, इस तरीके से असाइनमेंट और प्रायोरिटीज बना दीजिए। और उस असाइनमेंट प्रायोरिटी के अनुसार उतनी बनाइए कि व्यक्ति उस दिन का कार्य कर सकता है। और जो कार्य, वैसे तो जीवन हमारा मान लीजिए 70-80 वर्ष तक हमें कार्य करना है, लेकिन हमें प्लानिंग आज के लिए करनी है। पता नहीं कल हम रहें या न रहें, अगली सांस आए या न आए, कल का कुछ भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, इसीलिए आज की उसकी प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके लिए समयबद्धता बहुत जरूरी है। समयबद्ध होने के लिए मैं आज को आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए 5 सूत्र देना चाहता हूँ, 5 जो है आपको टिप्स देना चाहता हूँ, जो कि काल करे सो आज कर उसके लिए बहुत सटीक बैठते हैं। क्योंकि हमें खाली थ्योरी है ना, एक सिद्धांत है, वो एक हमारा सिद्धांत होता है, एक हमारा जो कहना चाहिए आदर्श होता है, हमारी एक मंजिल होती है, हमारा यार्ड स्टिक होता है, हमारा ब्लूप्रिंट होता है, हमारा माइलस्टोन होता है। लेकिन प्रश्न ये है उसको हम करें कैसे,
उसको करने के लिए हमारे पास मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास में कुछ सिस्टम्स होने चाहिए, हमारे पास सूत्र होने चाहिए ताकि हम उसको हम कामयाब कर सकें। तो इसके 5 सूत्र जो है मैं आज से काल करे सो आज करके बीच में बताना चाहता हूँ किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम के अनुसार हम कैसे कार्य कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहला भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ ही होता है कि वर्तमान में जीना, मतलब जो कल किया जाना आज करने की बात हम कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में जीना, टू रिमेन इन द प्रेजेंट ओनली, टू लिव विद द प्रेजेंट मोमेंट। तो भावक क्रिया, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, बैठने के समय बैठना, लिखने के समय लिखना, इससे क्या होगा कि हम प्रेजेंट टाइम में रहने से हमारी एकाग्रता, हमारी स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, वो कार्य हम तुरंत कर लेंगे, उसके अंदर किसी तरह की भूल नहीं होगी, उसको पुनः देखने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार क्या होता, हम एकाग्र नहीं होते हैं, हम काम कुछ करते हैं और हमारा मन कहीं चला जाता है, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं, वो गलत हो जाती है, उसको वापस देखना पड़ता है, उस पर सुधार करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहता है वह कभी भी गलत लिख नहीं सकता, इसीलिए जो है वो भावक क्रिया कि हमेशा प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में जीने की आदत डालो। भावक क्रिया को करने वाला व्यक्ति जो है हर क्षण वर्तमान में रहेगा, हर क्षण का वो भरपूर उपयोग करेगा और सबसे बड़ा बेस्ट जो टाइम मैनेजर वो होगा, टाइम का मैनेजमेंट करेगा। तो ये भावक क्रिया कहलाती है और भावक क्रिया में करने वाला, भावक क्रिया स्वयं अपने आप में एक ध्यान है, ये मेडिटेशन है। कोई व्यक्ति मेडिटेशन में अलग से बैठकर मेडिटेशन करे या ना करे, लेकिन भावक क्रिया करती है तो वो ऑटोमेटिक वो जो है एक कहना चाहिए मेडिटेशन है, क्योंकि वो खा रहा है तो उसका सारा ध्यान खाने के अंदर ही है, वह कुछ लिख रहा है तो उसका ध्यान पूरा लिखने में, एक डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है तो उसका ध्यान ऑपरेशन के अंदर, शिक्षक पढ़ा रहा है उसका ध्यान उसका पढ़ाने में, एक अगर गृहिणी जो है भोजन बना रही है उसका सारा ध्यान भोजन के अंदर ही है, तो उससे कुछ गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती। हमारी गलती होने की एक मान लो ट्रेन का जो है वो इंजन चलाने वाला ड्राइवर है, उसका ध्यान केवल इंजन ड्राइविंग के ऊपर, हम जो कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं हमारा ध्यान केवल व्हीकल ड्राइविंग के अंदर, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहता है, तो हमारे से गलती होने की कोई संभावना नहीं होती है। जितने भी ये एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी ये गलत कार्य होते हैं, उसके अंदर हम क्या भावक क्रिया में नहीं रहते हैं, उस कारण से गलतियाँ होती है, उस गलतियों का खामियाजा पूरे ग्रुप को और कई लोगों को भुगतना पड़ता है। एक मान लीजिए ड्राइवर, जैसा मैंने बताया कि वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है और उसका ध्यान ड्राइविंग के अंदर नहीं है, तो हो सकता है बीच के अंदर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाए और ट्रेन उससे भिड़ जाए और ट्रेन भिड़ करके वह गिर भी सकती है और हजारों लोगों का सर्वनाश हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जीवन के हर जो है ना हर कार्य के अंदर होता है, वो क्यों होता है, हम भावक क्रिया में नहीं होता है। दूसरा प्रतिक्रिया विरति, कितना सुंदर सिद्धांत है अपने काम को समय पर करने का, अपनी जो असाइनमेंट और प्रायोरिटी हमने तय करी है दिन के अंदर, उन सारे कार्यों को एफिशिएंटली करने के लिए जो काल करे सो आज कर, मतलब जो कल किया जाना काम, जो कल पे हम पेंडिंग छोड़ते हैं वो आज ही आज निपटाने के लिए। प्रतिक्रिया विरति होता क्या है कि कोई व्यक्ति कोई बोलता है तो हम उसकी प्रतिक्रिया के अंदर 4 शब्द और बोल जाते हैं और उसके बाद में वो फिर 4 बोलता है, बाकी बोलता है हम 8 बोल जाते हैं, इस तरीके से तू मैं होकर के लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है और हम इसके अंदर समय बहुत प्रतिक्रिया में बहुत बर्बाद करते हैं। इसीलिए प्रतिक्रिया विरति, यानी किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और हमें वो ग्रहणीय है, हमें करनी है तो करने में लग जाना चाहिए, उसकी बात का वापस ऑपोजिशन करना या वो बात हमें अच्छी नहीं लग रही है तो उसका कटाक्ष करना और उसकी बात का जवाब देना, नहले पे देला मारना, तो ये तू मैं जितनी होती है घरों के अंदर होती है, ये प्रतिक्रिया विरति से होती है कि एक दूसरे से बहस छिड़ जाती है, एक दूसरे की बात का जो है जवाब ये आदमी तक नहीं, मेरे को उसके अंदर अहंकार की भावना, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तो वो उसको सुनाने लग जाता, झगड़ा टंटा लड़ाई सारा फिसाद समाज के अंदर। ये जो है प्रतिक्रिया विरति नहीं रखने से होता है, प्रतिक्रिया करने से होता है। तो अपना अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना, किसी ने कोई बात कही और हमारे मान लो गले नहीं उतरी, हमको अच्छे नहीं लगे, लेट गो कर दो, लेट गो करने की आदत होनी चाहिए और हमें उसी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए जो हम कोई सुन रहे हैं, काम की बात उसको सुन लिया और बिना काम की निसार बात है उसके ऊपर उपेक्षा कर दी, उसको ध्यान नहीं दिया, तो उससे हमारा जो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा,
टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमें तो देखिए 12-14 घंटे ही मिले, 12-14 घंटों के अंदर हमारी लिस्ट लंबी है और हम किसी के साथ प्रतिक्रिया सड़क के ऊपर, हम भोजन के समय के अंदर, अपने जो हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर घर वाले सदस्य इस तरीके से करते रहेंगे तो सारा टाइम उसी में ख़राब हो जाएगा। तो हमारा आज का काम है कल पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, वो तो फिर उल्टा हो जाएगा। कई लोग ऐसा उल्टा बोलते हैं, हालांकि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, पर कई बार लोग क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। इसका एक मजाक के तौर पर, चुटकुले के तौर पर लोगों ने ये बना दिया और कुछ लोग इस तरीके का जीवन भी जीते हैं, अभी क्या पड़ा है, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अरे भाई आराम से अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, आपका ये आराम कितना लंबा है, आराम से क्या अर्थ है, जो काम किया वो अपना है, जितना कर लिया वो अपना, किया सो काम भजा सो राम, ऐसा कहा जाता है कि सब हम जो है बूढ़े होंगे जब जो है वो माड़ा फेरेंगे, धर्म ध्यान करेंगे और अपनी आत्मशुद्धि करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। अरे भाई तुम्हें बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, इसकी किस क्या की गारंटी, तुम तो आज ही कर डालो जो अच्छा सुबश्य शीघ्रम। अगर तुम्हें तुम्हें अगर मेडिटेशन करता, ईश्वर की भक्ति करना, कोई चैंटिंग करना है तो अभी कर लो, वो कर लिया सो अपना, किया सो अपना है। तो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से गहन जो है वो निध्यासन कर रहे थे, अब तरोताजा होने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद के अंदर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम तरोताजा महसूस करें अपने आप को और पुनः हमारा जो निर्धारित विषय है उसके ऊपर सत्संग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए भजा सो किया सो काम और भजा सो राम इससे जुड़ा हुआ होता है। तो अब इस तरीके से भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति, तीसरा है मैत्री। ओहो कितना सुंदर सिद्धांत है भाई और बहनों, मैत्री का सिद्धांत रखता है तो उसका ओरा ओरा जो है ना, हर व्यक्ति जो चिंतन करता है उसके एक इंच का उसके दिमाग के चारों तरफ जो है एक सर्कल बनता है। अगर अंदर भीतर के अंदर कटुता की भावना है, अगर भीतर के अंदर ईर्ष्या की भावना है, भीतर बदले की भावना है, तो उसका ओरा खराब हो जाता है। और जिसके अंदर मैत्री की भावना है कि भाई 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणियों को मैं मित्रवत समझता हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदन में किसी भी प्राणी को किसी भी जन्म में कोई कष्ट दिया हो तो शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। और इस 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सबको मैं निर्दोष मानता हूँ, निर्दोष घोषित करता हूँ, उनका कोई दोष नहीं है। मेरे साथ में कोई कष्ट देता मुझे तो दोष उसका नहीं है, दोष मेरा है। मैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वो मेरा जो लेन देन है मुझे NOC दे रहा है, मेरा हिसाब है वो क्लियर कर रहा है, इसलिए मैं उसके प्रति जो है वो कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ऐसा जो है ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति का ओरा इतना शुद्ध होता है, इसके ओरा के जो आभा मंडल के चित्र लिए गए हैं उस चित्र के अंदर वो इतना क्लियर चित्र आता है, ऐसा लगता है कि ये महात्मा है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर का रूप है। और सभी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करना चाहेंगे, उसके साथ बैठना चाहेंगे, उसकी वाणी को सुनना चाहेंगे और सबके प्रति मैत्री की भावना रखने वाला व्यक्ति की वाणी भी इतनी शुद्ध हो जाती है कि जो वो मुँह से बोलता है वो जो है वो भाषा सिद्ध हो जाता है, वो वाणी सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए वो कहता है वो बात भी सही हो जाती, क्योंकि उसको कोई भी स्वार्थ नहीं है, उसके अंदर कोई तरह का बदले की भावना नहीं है, उसके अंदर कोई तरह के अहंकार की बात नहीं, तो विशुद्ध बोलता है। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री मित भाषण। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो विटैलिटी, वो हमारे जो प्राण शक्ति के बिना अंगुली भी नहीं हिलती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं, उसको हम विटैलिटी कहते हैं, उसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो विटैलिटी किससे बनती है, चीज़ों चार चीज़ों से बनती है। एक तो होता है भोजन, पानी, वायु और जो है प्रकाश या अग्नि
जठराग्नि उसका एक भाग है, सूर्य की रोशनी उसका भाग है, और वायु प्राणवायु हो गया, और भोजन हम करते हैं, पानी हम जो ग्रहण करते हैं, इन सब से मिलकर के हमें विटालिटी बनती है, जिसको करण वीर्य कहते हैं, और इससे हमारी सारे बॉडी का सिस्टम चलता है। और अगर ये किसी के अंदर ये विटालिटी नहीं होती है तो व्यक्ति को स्मरण शक्ति नहीं होती, वो बोल नहीं सकता, वो कोमा में चला जाता है, शरीर के अंदर हलन चलन नहीं होता है, मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, वो खाली एक मूर्तिवत हो जाता है, एक शिथिल जो है डेड बॉडी की तरह हो जाता है। अब देखिए, जो इतने कठिनाई से हमने विटालिटी को, उसको प्राण शक्ति को इकट्ठा किया, और हमने मित भाषण नहीं करके, और हम बोलते जाते हैं, वाचाल हो जाते हैं, हम फालतू की चीज़ अनर्गल बोलते जाते हैं, अनर्गल डिस्कस करते जाते हैं, अनर्गल एक दूसरे के ईर्ष्या करते जाते हैं, एक दूसरे की निंदा करने में अपना समय जो बर्बाद कर देते हैं, उसने ऐसा किया वैसा किया वो है, इधर उधर की बातें और गप्पे हाँकते जाते हैं, तो हमारी विटालिटी जो है वो खर्च हो जाती है। तो इसीलिए मित भाषण व्यक्ति को इतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। देखिए, हम समाज में जीते हैं तो बिना बोले हमारा समाज का कार्य नहीं चलता है, हमें अपनी भाषा से आदान प्रदान करना होता है। हमारी एक मारवाड़ी में कावल है कि बोलिया के लाद्या, यानी कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा एक सेंटेंस भी बोलता है तो उसकी परीक्षा हो जाती है, व्यक्ति के अंदर कितनी विद्वता है, व्यक्ति कितना गहरा है, व्यक्ति के चिंतन के अंदर कितनी ऊंचाई है, या कितना हल्कापन है, या व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व जो है उस व्यक्ति के बोलने से मालूम हो जाता है। क्योंकि जो हमारी जो वाणी निकलती है वो वाणी हमारे चिंतन के आधार पर निकलती है, इसलिए मित भाषण करना चाहिए, उससे हमारी विटालिटी, हमारी जो एनर्जी है वो भी कम खर्च होगी, और जो है वो मीठा बोलना चाहिए, और ऐसे वचन बोलना चाहिए जो कि औरों को भी अच्छा लगे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। आप 24 घंटे के अंदर कम से कम भाषण करें, मित भाषण करें, और वो ऐसा लगना चाहिए हर एक व्यक्ति सुनना चाहे, वो सत्संग होनी चाहिए, आपके घर के लोग भी जो है वो ये अपेक्षा करें आपसे कि आप थोड़ा और बोलें, और उसके साथ साथ में फ्रेंड सर्किल में बैठे हैं या समाज के ग्रुप के अंदर बैठे हैं तो लोग आपसे सत्संग करना चाहे, आपसे कुछ सुनना चाहे कि कुछ हमें ज्ञान की बात बताइए, तो ये क्या है, मित भाषण। हम किसी के साथ सत्संग करते हैं, मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, ये समय की सार्थकता है, ये मुझे भी आनंद दे रहा है और आपको भी आनंद देगा, और इस तरीके से कई सैकड़ों एपिसोड जब तैयार हो जाएंगे, एक विरासत बनेगी हमारे महापुरुषों के अंदर, जितनी जितनी वाणी है, कोई व्यक्ति सृष्टि के अंदर अमर नहीं है, जो व्यक्ति अच्छी ज्ञान की चर्चा करके और ज्ञान का अच्छा भंडार इकट्ठा कर लेता है तो खुद के लिए तो निश्चित तौर से अच्छा होता ही है, लेकिन एक विरासत छोड़ के जाता है वो व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति ज्ञान युक्त कृतियां, चाहे भाषण के द्वारा, चाहे ऑडियो के द्वारा, चाहे वीडियो के द्वारा, चाहे पुस्तक के रूप के अंदर, वो जो सृजन करता है साहित्य का, जो समाज के लिए हितकारी है, समाज को ज्ञान देने वाली है, समाज को दिशा देने वाली होती है, तो वो निश्चित रूप से वो एक विरासत होती है। तो ये इस देखिए भाव क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री मित भाषण, और अगला है मिताहार। मिताहार का मतलब व्यक्ति को भोजन इतना ही करना चाहिए जिससे हमारा पेट हल्का रहे। मेडिकल साइंस ये कहती है कि इस पेट के अंदर चार भाग कीजिए, दो भाग के अंदर जो ठोस भोजन कीजिए, एक भाग पानी के लिए करिए और एक भाग वायु छोड़ने के लिए कीजिए। अगर वायु नहीं छोड़ी जाती तो हमारे डकारे आती रहेगी और दूसरा हमारे आफरा चढ़ जाएगा और धीरे धीरे शरीर जो है वो इसका पेट जो है फूल जाएगा, पेट भारी पड़ जाएगा और व्यक्ति को नींद आने लग जाएगी, और व्यक्ति जो है गरिष्ठ भोजन करता है, वायु के लिए जगह नहीं छोड़ता है, तो इसीलिए उनोद्री कहा जाती है, हमारी भूख से थोड़ा कम खाया जाए, मिताहार किया जाए। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित भाषण मिताहार, ये मैंने एक सिस्टम दिया कि मेथडोलॉजी दी आपको कि इसके माध्यम से काल करे सो आजकल हमारे जीवन को हम सुंदर बना करके और हमारा ये बन सकते। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि हमें निष्कर्ष की बात करनी चाहिए, सामाजिक उपयोगिता की बात करना चाहिए, हमें जो विषय है उसको जो है वो आज के वर्तमान सिनेरियो की कसौटी पर कसना चाहिए कि क्या ये विषय जो है
वो आज के समाज के लिए बच्चों को, युवाओं को, गृहणियों को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ये अच्छी बात दे रहा है कि नहीं, उपयोगी है कि नहीं, सोशल यूटिलिटीज की है कि नहीं है। वरना क्या है कि मेरा भी समय खराब और कोई लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए भावक क्रिया ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बताना चाहता हूँ, काल करे सो आजकल बड़ा सुंदर विषय है, इसका जीवन के अंदर पालन किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को हर क्षण प्लान पालन करना चाहिए कि आज मेरी व्यवस्थित जो है असाइनमेंट और प्रायोरिटी की जितनी बातें हैं वो तैयार हो गई है कि नहीं है, और इसमें से फिर क्या है कि शाम को टिक करना चाहिए कौन सा कार्य जो है वो हो गया। और दूसरा क्या होता है कि पहले बाहर का कार्य, फिर हाथ का कार्य, यानी दूसरों से मुझे क्या कार्य कराना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम तरक्की की ओर के पुनरुत्थान कार्यक्रम में ऐसे विषयों का विश्लेषण किया जाता है, ऐसे विषय दिए जाते हैं जो हर प्राणी के लिए सार्थक होते हैं, और ये विषय पहले से निर्धारित हो जाते हैं। और हमारा इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य भी जगत कल्याण करने का है, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे भवंतु निरामया, इस सृष्टि के 7 अरब की संख्या के लोग सभी सुख से रहें, आनंद से रहें, प्रेम से रहें, और अपना खूब शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में जीवन यापन करें। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, और खूब आप शतायु होकर के परोपकार का कार्य करें आपके प्रति।